हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, चलिए थोड़ा सा हम पार्टी को जो है कि स्टॉप करते हैं, अपनी जो भी पार्टी का जो इतना कार्यक्रम था उसको स्टॉप करते हैं। चलते थोड़ा सा बगीचा में घूम लेते हैं, क्योंकि बगीचा में गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं बगीचे में घूमने के लिए। और ये भी देखेंगे बारिश इतनी हुई है, बगीचे में पानी बनाई तो भरा है बनाई है, कि बनाई नहीं भरा है। फिर इसके बाद हमारे कुछ जस आम भी मांग आंजलि रहे थे। अब कब चलिए देखते हैं बगीचे में आम फरा है, एकदम भरा तो था, अब बचा है कि नहीं बचा है। आप लोग चलिए देख लीजिए, का मार थोड़ा देगा सा बगीचा जो है कि घूम फिर लीजिए। जस आम मांग रहे थे, अब उनके लिए हम क्या कहें यार। आम मारे। जो है कि मतलब उतना फरा नहीं था ना इस बार, इसलिए हम किसी को दे नहीं पाए हैं। तो चलते हैं बगीचे में, देखते हैं बगीचे का आम बचा है कि नहीं बचा है। ताइए चलते हैं, साथ में घूमते हैं बगीचा। तो हम बगीचे की तरफ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं सारा पानी भरा हुआ है, अभी बरसात हुई है और हम बगीचे में यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ये पेड़ आप देख सकते हैं इधर है, इसलिए अभी ये तो आम तो था, अभी आम हमें दिख नहीं रहा है। आइए चलते हैं उधर, उस वाले पेड़ में ढेर सारा आम था, उधर देखते हैं एक आम बचा है कि नहीं बचा है। और इधर देख सकते हैं सब पानी भरा हुआ है, इधर बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं इधर, जब हम आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखें देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सब जल चुकी हैं, ये देख सकते हैं इधर। तो बाकी तो फिर अभी तो आम दिख नहीं रहा है कि नहीं, क्योंकि आम जो है कि वो टूट चुका है। तो दोस्तों फाइनली यही हम इस पेड़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारा आम भरा हुआ था, बहुत सारा आम, मतलब इस वाले पेड़ में एकदम हाथ से भी आप पा सकते थे, इतना सारा आम था इसमें। लेकिन आपको एक आम दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अब आम जो है कि वो टूट चुका है। काफ़ी दिन बाद हम आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा आम जो है कि टूट चुका है इसमें का भी। और इस वाला जो पेड़ था जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, ये मेरा क्रिकेट ग्राउंड है ना, इसमें भी जो है कि आम टूट चुका है। और बाकी इस साइड जो भी पेड़ थे सब में जो है कि आम टूटे जा चुके हैं। तो अब हम क्या करें यार, अब इतने दिन बाद हमारी परीक्षाओं की वजह से हम घूम नहीं पाए बगीचे में, और नहीं आप लोगों को दिखा पाए कि आम कैसे टूट रहा था, है कि नहीं मिस्टर अंकित? चलिए आप तोड़ रहे थे। हाँ आम, चलिए आप तुम तो आम तोड़ रहे थे, अच्छा तो अच्छी बात, हम परीक्षा चले थी ना, इसलिए तो हम आम नहीं तोड़ पाए। चलिए आइए हम दिखाते हैं इधर, आप देख सकते हैं हमारा जो बगीचा है ना, इसमें सब पानी भरा हुआ है। अच्छा आम ही मार रहे हैं ना, अच्छा मतलब आम टूटने के बाद हम लोग आम भी मारते हैं। देखिए जो है कि यहाँ पर हम लोग कामयाब हो गए आम मारने में। अच्छा आम बता, मीठा आम है, मीठा आम। अच्छा मीठा आम है। जल्दी तो जैसे होता था कि जब पहले हम लोग छोटे छोटे होते थे आज से 10 साल पहले ना, तो उसमें जब आम टूट जाता था तो हम लोग यही कि 10 लोग मांग के चलिए कि 10 लोग होते थे, सभी पेड़ों में जब आम टूट जाता तो वहाँ पर देखकर फिर इसके बाद मारते थे। अब 10 लोग एक ही आम को यही कि मिलकर मारते थे 10 लोग, तो वहाँ पर जो है कि मैं सबसे ज़्यादा आम मारता था क्योंकि मेरी निशाना बहुत अच्छा था ना, अभी 10 लोग बीच में आम मारना कभी चुनौतियों वाला काम होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारा पबजी ग्राउंड है, ये देख सकते हैं इधर ना, तो अभी अब सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड पर मैच नहीं खेलते, अब सब घर पर यही कि बैठकर मैच खेलते हैं, क्योंकि बारिश हो मतलब आ गई है तो कभी भी बारिश हो सकती है। और इधर भी पेड़ था, इसमें भी सब आम टूट चुका है। आइए हम आप चलते हैं उधर, जामुन का पेड़ है इधर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहले मैं जामुन के पेड़ पर कभी चढ़ा करता था जामुन तोड़ने के लिए, लेकिन अब जो है कि मैं उस पर नहीं चढ़ता हूँ जामुन तोड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा जामुन वाला पेड़ कहाँ है, और थोड़ा बहुत हम आम इधर भी देख लेते हैं, अगर आका का आम बचा है तो हम भी मारेंगे उसको, क्योंकि आम मारने का मज़ा ही कुछ और है यार। आप देख सकते हैं ये पेड़ जो है कि वो सूख चुका है, धीरे धीरे सब पेड़ बगीचे के गायब होते चले जा रहे हैं, ऐसे ही सूखते चले जा रहे हैं। और बगीचा काफ़ी शांत माहौल है, इधर आप मोर देख सकते हैं, इधर घूम रहा है मोर, और इस साइड जो है कि नीली गाय घूम रहे हैं, सब जो है कि फसलों को ख़राब कर देते हैं यार, लेकिन क्या करें, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे देख सकते हैं इधर नीली गाय घूम रहे हैं। तो ये हम जामुन के पेड़ पर, तो मतलब जामुन के पेड़ तर पहुँच चुके हैं, कभी हम इस पर चाहिए कि चढ़ कर जामुन तोड़ते थे, लेकिन आज जो है कि हम नहीं चढ़ेंगे इस पर,
ये देख सकते हैं जामुन का पेड़ है ये, काफ़ी मतलब ये काफ़ी विशाल हुआ करता था जामुन का पेड़। लेकिन आज जो है क्योंकि जब हम लोग चढ़ते थे तो जामुन तो तोड़ते थे, साथ ही साथ में उसकी जो कौचियाँ होती थी वो भी तोड़ देते थे जिससे हमको अधिक से अधिक जामुन मिल जाए। लेकिन अब कौचियाँ तोड़ने की वजह से सबका सब जामुन एकदम ख़त्म हो चुका है, ये देखिए आप लोग जामुन। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड तक, वहाँ पर थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेला जाए क्योंकि अब घर बैठे बैठे काफ़ी हम बोर हो गए हैं। इसके अलावा बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है ना भाई, जब तक सबसे परीक्षा स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही हमने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। अब खेत में नहीं जा सकते खेलने के लिए क्योंकि वह टेम्प्रेरी पिच था, बारिश हुई, अब सब लोगों ने अपने खेत को जोत कर उसमें फसलें बो दी हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं नया क्रिकेट ग्राउंड बना है हेल्ड्रम का, तो वहीं पर हम खेलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पर, आप देख सकते हैं ये क्रिकेट ग्राउंड है अपना छोटा सा, आप देख सकते हैं ये हमारा स्टंप है ये और वो है, मतलब क्रिकेट के इतने ही दूर में होगा। इधर आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस नहीं है, इधर खेत भी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस इधर कहीं होगा क्रिकेट ग्राउंड, तो यहीं पर हमको क्रिकेट खेलना है। तो दोस्तों ये थी बगीचे कुछ शानदार यादें, कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, बाकी सब जगह सब मोर वगैरह सब बगीचे में घूम रहे हैं और बगीचे के आम जो है कि वह टूट चुके हैं। तो अपने जो यूजर्स आम मांग रहे थे उनसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि बगीचे के जो सारे आम थे वो टूट चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, हमने उनको दिखाया भी नहीं कि आम कैसे टूट रहा था, तो उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। अगर देख लेकिन नेक्स्ट सीजन हम आप लोगों को आम ज़रूर से खिलाएँगे, ठीक है, आप लोगों को दिखाया भी जाएगा कैसे कैसे हम आम तोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में किसी नए 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 कैटेगरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।